अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ याहिया की मम्मा और जनाबे अली आज बन रही है कढ़ी। ठीक है, तो कढ़ी बहुत थोड़ी सी बना रही हूँ मैं। हम दो लोगों के हिसाब से मैं इसमें जो भी चीज़ यूज़ करूँगी जितनी भी क्वांटिटी में, तो फिर आप लोग उसको अपने फैमिली के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जितनी आपको चाहिए। ये दही है हमारे पास 400 ग्राम, 400 ग्राम ये दही है मेरे पास। तो ये मैं पूरा यूज़ कर लूँगी, इसलिए कि ये जो दही होता है, ये वाला जो दही है यहाँ पर मिलता है, ये बहुत इसमें पानी शामिल होता है, तो इसलिए ये तकरीबन जो प्योर इसका दही निकलेगा वो 250 से 300 ग्राम तकरीबन ही निकलेगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं ये वाला जो हमारा सालन निकालने वाला चमचा होता है, ये मैं दिखा दूँ, ये वाला चमचा बिल्कुल प्लेन लेवल करके इस तरह से, ये मैं 2 चमचे इसमें बेसन शामिल करूंगी। ठीक है, इन द मीन टाइम मैंने ये किया है कि बहुत 2-3 लच्छे बस प्याज के लेके, और हल्का सा 2 टेबल स्पून के करीब, बल्कि शायद उससे भी कम, ऑयल डाल के थोड़ा सा ये मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, और इसके अंदर मैं मसाला भून लूंगी, जो हम मसाला डालते हैं ना कढ़ी में, जैसे हल्दी, मिर्च और नमक, सिर्फ 3 चीजें ही मैं डालती हूँ, अजवाइन भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, बिल्कुल चुटकी के बराबर, चुटकी से भी जरा सी कम। ठीक है, तो ये डालकर और मैं इसको मसाला भून लूंगी, और फिर मैं बाकी प्रोसीजर आपको दोबारा दिखाती हूँ। अब ये देखें आप, मसाला तकरीबन भून गया है। मैं मसाला भून के कढ़ी अब बनाने लगी हूँ, पहले नहीं बनाती थी, पहले डायरेक्ट जो है वो दही में बेसन घोल के उसी में हल्दी मिर्च सब डाल के और फिर चढ़ा देती थी बस, और उसके बाद उसको एंड में पकौड़े वगैरह डाल के भगाती थी। लेकिन मैंने एक आध जगह पर ना इस तरह से खाई मसाला भुनी हुई ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो टेस्ट, थोड़ा सा मुझे उसका डिफरेंट लगा कढ़ी का, तो जब से मैं इस रेसिपी से बनाने लगी हूँ। ये मसाला भुन गया, तो अब अच्छी तरीके से दही और बेसन को हमने मिक्स करके रखा हुआ है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और बस इसमें पानी थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे, क्योंकि तकरीबन कढ़ी को 1.5 से 2 घंटे पकने देना चाहिए, तो बहुत अच्छा सा उसका फ्लेवर और टेक्सचर सब हो जाता है, वरना थोड़ा सा कच्चा कच्चापन जैसे बेसन का इस तरह से आता रहता है। तो पानी ये जो है इस थोड़ा सा मैं इसमें और डाल दूंगी कि आराम से ये 1.5-2 घंटे पकती रहे। तकरीबन समझ लें आप, 400 ग्राम दही था, 2 चमचे मैंने आपको दिखाया कि बेसन था, तो उसमें भर भर के 2 गिलास आप पानी डाल देंगे, पहले से जो पिसा हुआ होता है उसमें पानी होता है, और उसमें 1 गिलास भर के मैंने वहां पानी डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा पहले फ्लेम हाई कर देंगे कि उबाल आ जाए, उसके बाद इसको लो फ्लेम पे ढक के और पकने के लिए छोड़ देंगे, फिर इसमें पकौड़े डालेंगे बेसन के बन के, और ये तड़का लगेगा, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा दिखाती हूँ। जब तक के कढ़ी को पकने के लिए रखा है, मैंने सोचा बेसन ले रही हूँ पकौड़ों के लिए, तो वो भी शेयर कर लो। अच्छा, पकौड़े के लिए बेसन आप अपने हिसाब से अंदाजे से ले लें, 3-4 चमचे मैं ले रही हूँ, क्योंकि पकौड़े वैसे अगर थोड़े से बच भी जाएं तो ऐसे भी खाने में मज़ा लगता है, और कढ़ी में पकौड़े ज़्यादा हमारे मियाँ को भी बहुत पसंद है, मुझे भी अच्छे लगते हैं, तो तकरीबन मैंने समझ लें 4 चमचे ये बेसन ले लिया है, लेना चाहें थोड़ा सा तो और ले लें। ठीक है, उसके बाद इस बेसन के अंदर जो जो चीज़ें डलेंगी उसके अंदर प्याज और हरा धनिया थोड़ा सा मैं डालूंगी, उससे पहले मसालों में नमक डलेगा, 1 टीस्पून नमक डाल दिया, थोड़ा सा कम था तो पूरा टीस्पून बराबर कर दिया उसके। ठीक है, कुटी हुई मिर्च डलेगी 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून डलेगा इसके अंदर जीरा, और 1 टीस्पून डलेगा इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च, टीस्पून से कम डाल दी क्योंकि कुटी हुई भी डाल चुकी हूँ मैं, तो टीस्पून से थोड़ी कम कर दी मैंने। सही है, ये सब चीज़ें आपके अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब इसको पानी डाल डाल के और बेसन को घोल लेती हूँ मैं, प्याज और हरा धनिया वो मैं एंड में डाल दूंगी इसमें। पकौड़ों के लिए बेसन की कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है, बहुत ज्यादा पतला बेसन कढ़ी वाले पकौड़ों के लिए मैं नहीं करती,
क्योंकि मैं इनके पकौड़े बना के ना कुछ सेकंड्स के लिए पानी में डिप करती हूँ तो वो आराम से सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर पतला ही बेसन घोलेंगे तो फिर वो बिल्कुल ही से पतले हो जाते हैं। और सोडा नहीं डालती इसके अंदर मैं। अच्छा दूसरी चीज़ एक क्या थी जो मेरे दिमाग में आ रही थी बताना, जहन से शायद उस वक्त निकली थी पता नहीं अभी भी। हाँ आप सोडा डालना चाहें तो डाल लें, मैं कढ़ी के पकौड़ों में और वैसे भी नॉर्मली पकौड़ों में सोडा नहीं यूज़ कर रही होती। ठीक है तो जो चीज़ें मैंने बताई थी वो डाल के मैंने बेसन घोल लिया है। अब इसके अंदर थोड़ी देर बाद थोड़ी सी प्याज काट के शामिल कर दूंगी। हरा धनिया या हरी मिर्चें आपकी मर्जी के ऊपर है, आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं भी डालें तो। या आपने लैपटॉप बंद करके रख दिया बेटा? जी। कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं? अब मैं आपको वेट कर रहा हूँ। मैं आप मेरा वेट कर रहे हैं किस चीज के लिए? अच्छा देखें कोई डोर पे आया है मुझे लग रहा है। देखिए पहले पूछिएगा, रुकिए वेट कीजिए। किस में डाले थे या 5 pounds? ग्रे और ब्लैक। तो आपके पास कोई पैंट नहीं है? ग्रे ब्लैक ग्रे पैंट है, ब्लैक तो कोई नहीं है। किस में डाला था? नाइफ सूट का है, ब्लैक वाला। जी नाइफ सूट वाले में पॉकेट नहीं है। किस में डाल दिया बेबी? बताइए। ग्रे पैंट में डाला है जी। ओके चलो अभी हम चलते हैं फिर ढूंढते हैं। करना क्या है आपको उन पाउंड्स का? खेलना है। वो जो आपके कैश मशीन वाले थे वो वाले पैसे? ओ मेरा बेबी छोटा सा। अच्छा आज कौन सी सूरा पढ़ी थी हमने? सूरतुल इन्फितार। अच्छे से पढ़ ली थी? जी। आप जीते थे कि टीरेक्स जीता था? मैं। हाँ मैं। आप जीते थे जी। और टीरेक्स ने कैसे पढ़ा था? टीरेक्स में कुछ सी टेस में मिस्टेक थी। अच्छा टीरेक्स ने मिस्टेक्स की थी जी। तो फिर उसकी पिटाई लगाएं? लगा दे टीरेक्स की पिटाई। टीरेक्स ने मिस्टेक कोई नहीं किया। नहीं किया? नहीं। अच्छा तुमने किया था? मुझे तो हो गया था। ओके तो अब तुम्हारी पिटाई लगेगी फिर। अभी आंटी की कॉल आने वाली है फिर हम उनको सुनाएंगे। लिक्विड था ठीक है। ओरेंज। आंटी की कॉल आएगी ना फिर उनको सुना देना। अच्छा जी कढ़ी को चढ़े हुए 2 घंटे तकरीबन हो चुके हैं तो ये देखिए आप अब ये इस पोजीशन पे आ गई है कि हम इसके अंदर पकौड़े डाल सकें। ठीक है। अच्छा इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा पुदीना मैं काट के रखा हुआ था वो भी मैं थोड़ा सा डालूंगी बिकॉज कढ़ी के अंदर पुदीना बहुत अच्छा लगता है तो थोड़ा पुदीना डाल दिया है। पकौड़ों के लिए ऑयल मैंने चूल्हे पर रख दिया है, जैसी गर्म होगा तो पकौड़े फ्राई करके इसमें डालूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। पकौड़े डाल दिए हैं मैंने कढ़ाई में, एक दो और डाल देती हूँ जगह है तो। बस ये इस तरह से जितने से बड़े साइज के अच्छे लगते हैं आपको, थोड़े से बड़े बड़े साइज के अच्छे लगते हैं मुझे कढ़ी के अंदर तो मैं थोड़े से बड़े बड़े साइज के डाल रही हूँ। बस ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर कढ़ी में डाले जाएंगे। जब तक पकौड़ों का दूसरा बैच डाला है तो पहले वाले मैंने ये इस तरह से पानी में डिप कर दिए थे ये। अब मैं पानी से निचोड़ निचोड़ के इसको कढ़ी में डाल दूंगी इस तरह से करके ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। फिर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। अच्छा जी ये भगार रेडी हो रहा है कढ़ी का। मैं डालती हूँ हरी मिर्चें, थोड़ी सी लाल साबुत मिर्च, जीरा और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता बहुत दिन पहले का ला के मैंने फ्रीज कर दिया था क्योंकि वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है और यहाँ पर हर जगह से कड़ी पत्ता अवेलेबल नहीं होता। इसके अलावा कुछ लोग प्याज का भी तड़का लगाते हैं तो वो लगाना चाहें तो वो इसी स्टेज के ऊपर पहले प्याज फ्राई कर लें फिर साथ हरी मिर्चें ये डाल के और सबसे एंड के अंदर ये दो चीज़ें डलकर और फिर कढ़ी में डल जाएगा तो फिर एंड रिजल्ट कढ़ी का क्या बनता है ये भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको दिखाती हूँ। तब तक के तड़का रेडी कर रहे हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे। ये देखें जनाब अली ये कढ़ी का तड़का जो है वो हो चुका है और ये कढ़ी की फाइनल शक्ल है। तो अब हम इसको चावल के साथ या रोटी के साथ जिसके साथ भी आपको पसंद हो आप इंजॉय करें।
हमारे मियाँ जी को ये रोटी और पराठे के साथ अच्छी लगती है, तो उनके लिए मैं वही बनाऊंगी। थोड़े से साथ मैंने चावल बॉईल किए हुए हैं, तो हम इसको एंजॉय करेंगे। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, और दुआ में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।